Hello everyone, I am Ankit Bharadwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, today we are going to cover Graham Greene. तो जो हमारे कैंडिडेट्स बी टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें जो है ग्राहम ग्रीन के बारे में, उसके वर्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैंने उसका जो वर्क है, उसके जो नॉवेल्स हैं, मेनली उसने नॉवेल्स लिखे अपने लिटरेरी करियर में, तो कुछ उसके प्लेज हैं जिनके सिर्फ नाम मेंशन किए हैं मैंने, और उसका कुछ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है मेंशन किया हुआ, उनके जो नेम्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो मेनली उसका जो फोकस था अपने लिटरेरी पीरियड में वो नॉवेल्स के ऊपर था। उसने नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स उसने पब्लिश करवाए हैं, और उसके जो नॉवेल्स हैं उसको यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से टच किया है। उसके करेक्टर के बारे में बताया है, कुछ का मैंने प्लॉट भी आपको डिस्कस किया, जिसका मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो प्लॉट मैंने डिस्कस किया, और कुछ का मैंने सिर्फ जो है नेम मेंशन किया। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फुल नेम ऑफ ग्राहम ग्रीन वॉज हेनरी ग्राहम ग्रीन, एंड उसका जो बर्थ है वो 1904 में हुआ, एंड ही डाइड इन 1991। तो बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज अ राइटर, और उसका कौन सा योनर था, किस योनर में वो लिखा करता था, थ्रिलर लिखता था वो, लिटरेरी फिक्शन लिखा करता था, एंड हिज पीरियड ऑफ राइटिंग वॉज फ्रॉम 1925 टू 1991। और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सो ही वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन ईयर 1966 एंड 1967। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो वर्कड एज अ रिव्यूअर द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर एक जो था पब्लिकेशन था जिसके फाउंडर थे जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। तो गाइस, जोसेफ एडिसन जो कैंडिडेट पीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जोसेफ एडिसन को उन्होंने पढ़ा होगा। तो उसका जो फाउंडर था द स्पेक्टेटर का, वो जोसेफ एडिसन था। तो एज अ रिव्यूअर इसने यहाँ पे काम किया 1711 टू 1712 तक, लगभग एक साल तक इसने यहाँ पे काम किया। And he was also being described as a Roman Catholic novelist. तो इसको Roman Catholic novelist भी बोला गया था, वो क्यों वो आगे आपको पता चल जाएगा। Catholic religious themes are at the root of much of his writing. तो उसके जो novels थे, उसकी जो writings थी, उसमें Catholic religious theme को mainly जो है main theme उसका रखा जाता था। तो most of his writing was based on the religious theme of Catholic, Roman Catholic. तो उसके जो थे बहुत ज़्यादा जो थीम थे राइटिंग के, उसने बहुत ज़्यादा ऐसा काम लिखा है जिसमें उसका जो मेन थीम था वो कैथलिक के ऊपर था, रिलीजियस थीम्स के ऊपर था। तो कौन कौन से उसके मेजर कैथलिक नॉवेल्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला जाता था, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम भी दिया गया था। ब्राइटन रॉक, द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर। सो गाइस, दीज फोर आर द Catholic novel written by Graham Greene, and next we have the novel which shows his political interest. तो इसका जो politics में interest है उसके बारे में जो है बताते हैं कौन कौन से हैं वो। First is the confidential agent, second the quiet American, third our man in Havana, and the fourth is the human factor. So guys, ये novel जो है वो political interest के बारे में बताते हैं Graham Greene के, and he also has written the screenplay of the third man. थर्ड मैन एक मूवी बनाई गई थी इसके नॉवल के ऊपर, तो उसका स्क्रीन प्ले इसने लिखा था। सो नेक्स्ट वी हैव मेजर वर्क, उसके कौन कौन से जो मेजर वर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ही हैज़ रिटन ओनली वन कलेक्शन ऑफ पोइट्री। वो कौन सी थी, इन 1925 बैबलिंग अप्रैल, एंड द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोम वॉज बैबलिंग अप्रैल। सो इट वॉज हिज फर्स्ट बुक, एंड इट वॉज द कलेक्शन ऑफ पोइट्री एज आई टोल्ड यू, and it got published when he was studying at university. अभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उसने ये बुक जो है पब्लिश करवा दी थी। तो मेनली उसने अपने करियर में नॉवेल्स ही लिखे हैं, वो देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज 1929, द मैन विद इन। सो द टाइटल इज टेकन फ्रॉम ए सेंटेंस इन थॉमस ब्राउन्स रिलीजियो मेरिसी, देयर इज अनदर मैन विद इन मी That's angry with me. तो उसका जो टाइटल था वो थॉमस ब्राउन्स रिलीजियो मेडिसी से लिया गया था, जिसका जिसका नाम था There's another man within me that's angry with me. तो यहाँ से इसने जो है टाइटल उठाया था।
So it was his first novel and it was big success of his career. उसका पहला novel था और बहुत ज़्यादा success हुआ था. इसका जो theme था वो base किया गया था betrayal के ऊपर and it got adapted into a film. इसके ऊपर एक movie भी बनी थी. तो main main character इसके कौन से हैं? First we have Francis Andrews. ये कौन है? A reluctant smuggler who betrays his colleague by writing a letter informing the custom officer of the time that the boat will land. तो इसने अपने जो साथी थे उनके बारे में बता दिया था कस्टम ऑफिसर्स को एक लेटर के द्वारा कि इनकी जो बोट है वो कहाँ पे किस टाइम पे लैंड होगी और आप इनको वहाँ पे ग्रैब कर सकते हो. तो लास्ट में ये अपने बिट्रेल के लिए पे करेगा. मीन्स इसके साथ क्या होगा वो देख लेते हैं. सेकेंड वी हैव एलिजाबेथ. एलिजाबेथ वो गर्ल है जिसके साथ एंड्रयूज प्यार करता है. एंड थर्ड वी हैव कार्लियन. ही इज़ द कैप्टन ऑफ स्मगलिंग बोट. सो गाइज यहाँ पे एक छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट सी मैंने समरी दी हुई है आपको. तो इससे आपको जो है थोड़ा बहुत एस्टिमेट हो जाएगा कि इस नॉवल में क्या कुछ है. जो फ्रांसिस एंड्रयू है वो स्मगलर है और वो एलिजाबेथ के साथ रहना स्टार्ट कर देता है क्योंकि एलिजाबेथ के साथ जो पहले रहता था वो मर चुका है. अब उसकी डेथ हो चुकी है. तो यहाँ पे जो है एलिजाबेथ है वो इसको एंड्रयूज को भड़का देती है या इसको बोल देती है कि तू तो अपने जो को स्मगलर्स हैं जो तेरे साथी हैं उनके बारे में तू कोर्ट में जाके टेस्टिफाई कर दे उनको बता दे. और ये वैसे ही करता है उनको जाके बता देता है विटनेस बन जाता है. बट उनके खिलाफ जो है इनको कोई भी पुलिस को सबूत नहीं मिलते तो वो जो स्मगलर्स हैं वो छूट जाते हैं. उसके बाद वो रिवेंज लेने के लिए डिसाइड करते हैं कि हम रिवेंज ज़रूर लेंगे. और एंड्रयूज को पता चल जाता है कि कोई ना कोई डेंजर आने वाला है इसके ऊपर. तो ये एलिजाबेथ को भी इसके बारे में बताता है बट एलिजाबेथ इसको बोलती है कि तू जाके जो है वेल से वाटर लेके आ. तो जैसे ही वे ये वहाँ पे जाता है उसके जो साथी हैं जो स्मगलर्स हैं वो इसके घर आ जाते हैं और एलिजाबेथ को वो मार देते हैं. उसके बाद जो कार्लियन है वो वहाँ पे बैठा हुआ है. तो जैसे ही यहाँ पे जो रिटर्न करता है फ्रांसिस एंड्रयू कमरे में आता है तो वो क्या देखता है कि एलिजाबेथ मरी पड़ी है. और उसको तब रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने बिट्रे किया था और मेरी जो लाइफ है जो अभी वो एंड हो चुकी है. और वो रेडी हो जाता है कि वो एलिजाबेथ की मर्डर का ब्लेम अपने सिर के ऊपर लेगा. सो इसके साथ जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है. सो गाइस ये बहुत ही जो है शॉर्ट समरी है मैंने शॉर्ट में आपको समझा दी है और मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा था. दैट्स वाई आई हैव डिस्कस्ड दिस नॉवल. ओके सो नेक्स्ट वी हैव इन 1930 द नेम ऑफ एक्शन. हिज सेकेंड नॉवल जो बहुत ज़्यादा पिट गया था एंड इट वॉज बैडली रिसीव्ड बाई क्रिटिक्स. क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया था. द टाइटल ऑफ द बुक डिराइव फ्रॉम शेक्सपियर्स ट्रेजडी हेमलेट स्पीच. तो हेमलेट जो शेक्सपियर की ट्रेजडी थी उसमें एक स्पीच थी टू बी और नॉट टू बी. उससे इसका टाइटल जो है डिराइव किया गया था उठाया गया था. तो मेन मेन करेक्टर इसके कौन से थे? सो ऑलिवर चैंड ये एक वेल्दी यूथ था. कर्ट्स कम्युनिस्ट लीडर. जोसेफ कैपर अ ज्यूइश पोइट. लिंस अ शूमेकर. सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है नॉवल तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वी हैव 1931 रूमर एट नाइटफॉल. ये फिर से एक फेलियर था ग्राहम ग्रीन का. इसमें भी जो क्रिटिक्स ने इसका मजाक उड़ाया था. एंड इट इज़ द स्टोरी दैट इज़ वोवन अराउंड एंड ऑफ फर्स्ट कार्लिस्ट वॉर. सो वट इज़ कार्लिस्ट वॉर? इट इज़ अ सिविल वॉर इन स्पेन बिटवीन 1833 टू 1840. इसके बीच में ये लड़ी गई थी. तो इसके ऊपर इसने नावल लिखा था. वो बहुत बुरी तरह से पिट गया था. सो इसके बारे में द र्यूमर एट नाइटफॉल और द नेम ऑफ एक्शन इसके बारे में इसका एक ऑटोबायोग्राफी है. उसने मेंशन किया है कि ये जो मेरे नॉवल थे वो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं थे बट ये मेरा फेलियर था और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. नेक्स्ट 1932 स्टैम्बुल ट्रेन. गाइस अगेन सक्सेस नॉवल. बहुत जो था इस नॉवल को सक्सेस मिला था एंड इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रू सक्सेस. इसके फर्स्ट नॉवल से भी ज़्यादा सक्सेस हुआ था. एंड इट इज़ सेट ऑन अ ट्रेन जर्नी. ट्रेन जर्नी के ऊपर ये नॉवल सेटअप किया गया और इसको रीनेम किया गया था ओरिएंट एक्सप्रेस से जब इसको US में पब्लिश किया गया. और जो फर्स्ट मूवी बनी थी इस नॉवल के ऊपर ही बनी थी. बाकी की जो मूवीज़ बनी है वो इसके अलग अलग नॉवल्स के ऊपर बनी है. और एक बात इसके ऑलमोस्ट सभी नॉवल्स के ऊपर जो है दो तीन नॉवल्स को छोड़ के सभी नॉवल्स के ऊपर मूवीज़ बनी है.
And this novel also focus on 3 day journey from Ostend to Istanbul. तो 3 दिन की जर्नी इस नॉवल में दिखाई गई है. ओके एंड वी हैव द करेक्टर्स कार्लटन म्याट, ही इज़ अ बिजनेस मैन, कॉरल मस्कर ए डांसर, डॉक्टर जिजनर एन एस्केप्ड कम्युनिस्ट लीडर, मेबल वॉरेन अ जर्नलिस्ट, जेनेट पार्ड्यू मेबल्स पार्टनर, जोसेफ ब्रनलिच क्रुक. तो गाइस ये जो नावल है ये बहुत इम्पोर्टेंट नावल है, और हमें एज वी आर कंसर्न विद पी टेट एंड आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना डिटेल में हमसे पूछेंगे. तो इसके जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं. तो मेनली जो नॉवल है वो ट्रेन की जर्नी के ऊपर बेस किया गया है, कि कैसे ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये ट्रेन में मिल जाएंगे और इसके बाद में इनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज होगी. ओके नेक्स्ट वी हैव इन 1934, इट्स अ बैटल फील्ड. सो गाइस इट इज़ कंसीडर्ड एज हिज फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द इनजस्टिस ऑफ मैंस जस्टिस. ओके वी हैव मेन करेक्टर्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस, सेकेंड वी हैव ड्रॉवर अ बस ड्राइवर, थर्ड वी हैव मिली हिज वाइफ, कॉनराड ही इज ड्रॉवर्स ब्रदर एंड ही हैज़ ऑल्सो हैव द रिलेशनशिप विद मिली जो ड्रॉवर की वाइफ है उसके साथ इसके रिलेशन्स हैं, और कॉनराड बाद में गिल्टी भी फील करता है इस चीज़ को लेके. नेक्स्ट वी हैव सरोगेट्स अ रिच मर्चेंट. ओके तो ये भी एज सच मुझे इतना इम्पोर्टेंट नॉवल नहीं लगा, तो इसके बारे में इतनी जो इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी रहेगी. नेक्स्ट वी हैव 1935 इंग्लैंड मेड मी, इट इज़ रीपब्लिश्ड एज द शिप रेक्ड इन 1953. इसको रीपब्लिश जब किया गया था तो इसका जो नेम वो चेंज कर दिया गया था द शिप रेक्ड में, और 1973 में इसके ऊपर मूवी बनी थी. मेन करेक्टर्स इसके कौन कौन से थे, एंथनी प्रोटैगनिस्ट इन हिज 30s, केट द ट्विन सिस्टर ऑफ एंथनी एंड ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी एज वेल एज मिस्ट्रेस ऑफ क्रूग, हु इज़ क्रूग अ मिलियनेयर सेल्फ मेड मैन, जो खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर उसने अपनी जो एम्पायर है वो खड़ा किया था. हॉल हॉल वो इंसान है जिसको क्रूग हायर करेगा एंथनी को मारने के लिए. तो बिल्कुल शॉर्ट सा इसके बारे में जान लेते हैं. तो क्रूग जो है वो हायर कर लेते हैं एंथनी को एज हिज पर्सनल बॉडीगार्ड. जैसे ही उसकी सिस्टर केट ने बताया होता है कि एंथनी फ्री है, उसका काम में मन नहीं लगता, तो क्रूग उसको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड हायर कर लेता है. और एंथनी रिटर्न में क्या करता है, उसके सारे जो सीक्रेट्स है वो प्रेस में जाके बता देता है, रिवील कर देता है. इससे जो क्रूग है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो हॉल को मिस्टर हॉल को हायर करता है कि वो एंथनी को मार दे. केट रेस्क्यू करने के लिए आती है, बचाने के तरीके ढूंढती है, बट फेल हो जाती है, और एंथनी है उसको मार देते हैं. और एंथनी को मार के जो हॉल है वो उसकी बॉडी को सी में फेंक देता है. ओके रिवर में फेंक देता है. और लास्ट में जो केट है वो डिसाइड करती है कि वो क्रूक की कंपनी उसका जो जॉब है वो लीव कर देगी और वो छोड़ के चली जाती है. नेक्स्ट वी हैव 1935 द बियर फेल फ्री. बहुत ही जो है मान लें इसको अनइम्पॉर्टेंट सा नॉवल है. नेक्स्ट वी हैव 1936 अ गन फॉर सेल. दिस नॉवल इज़ अबाउट अ क्रिमिनल नेम्ड रेवन, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी. मेन करेक्टर्स देख लेते हैं, रेवन अ क्रिमिनल हेयर लिप्ड. सो गाइस हेयर लिप्ड क्या होता है, जिसका जो लिप है अपर लिप है वो नोज की तरफ उठा होता है. ओके जो अपवर्ड की तरफ उठा होता है उसको हेयर लिप्ट बोलते हैं, और लास्ट में इसको पुलिस के द्वारा मार दिया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव जिमी मैथर, एक पुलिस डिटेक्टिव है, एनी क्राउडर अ कॉरस गर्ल, सर मार्कस अ करप्ट ज्यूइश, सॉन्डर्स डिसेंट पुलिस डिटेक्टिव. तो इसके करेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, और जो उसके कुछ मेन फैक्ट्स थे वो भी आपको क्लियर कर दिए हैं. मुझे नहीं लगता डीप में जाने की हमें ज़रूरत होगी. सो नेक्स्ट वी हैव 1938 ब्राइटन रॉक. सो कैथलिक नॉवल था, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. एंड इट इज़ अ मर्डर थ्रिलर सेट इन 1930s, ब्राइटन में सेटअप किया गया इसको. सो जो ब्राइटन रॉक है ये एक लिंक बनेगा अ गन फॉर सेल नॉवल के साथ.
as Pinky is allowed to take over the gang after death of Raven. Pinky एक करेक्टर है ब्राइटन रॉक में, वो गैंग को टेक ओवर करेगा जो रेवन पहले चलाता था. रेवन करेक्टर था अ गन फॉर सेल का, और वो भी क्रिमिनल था. अब उसका जो गैंग है उसको वो कैरी ऑन कौन करेगा? पिंकी. और मूवी बनी थी इसके ऊपर. एंड मेन करेक्टर देख लेते हैं, पिंकी एंटी हीरो है, रोमन कैथलिक है. रोज़ ये भी एक कैथलिक गर्ल है, पुअर बट मॉडेस्ट गर्ल, एंड शी वर्क एज अ वेट्रेस. डालो सेकेंड इन कमांड पिंकी के बाद, ये कमांड में आता है. एंड नेक्स्ट वी हैव इडा जो एक डिटेक्टिव है, एंड हेल. ओके, तो ये भी जो है थ्रिलर ही है. नेक्स्ट वी हैव 1939 द कॉन्फिडेंशियल एजेंट. सो थ्रिलर नॉवल है गाइस, एंड ग्रीन रोट इट इन 6 वीक्स ओनली. 6 हफ्ते में ग्रीन ने ये नॉवल कंप्लीट कर दिया था. इसके लिए इसने क्या किया था, अपने आप को आइसोलेटेड रखने के लिए, अकेले में रखने के लिए ब्लूम्सबरी में एक रूम रेंट पे लिया था. एंड ही ऑल्सो मैंशनड अबाउट दैट अपार्टमेंट इन दिस वर्क. इस वर्क में उस अपार्टमेंट के बारे में भी उसने मैंशन किया. He was not happy before publishing it and even thought it to be published under a pseudonym. Pseudonym means इसको अपना जो नॉवल था, जो ये वर्क था, इतना पसंद नहीं आया तो इसने सोचा कि मैं किसी और नाम से इसको पब्लिश कर दूंगा. बाद में इसने अपना जो आइडिया था वो चेंज कर लिया था. सो गाइस, दिस नॉवल वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मैग्निफिशेंट टूरो डे फोर्स. टूरो डे फोर्स मीन्स ब्रिलियंस. तो बाद में इस नॉवल को एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक कह के भी बुलाया जाता था. बहुत हिट हुआ था यह नॉवल. एंड फिल्म वॉज ऑल्सो मेड ऑन दिस वर्क इन 1945. तो मेन करेक्टर कौन कौन से हैं? डी, फॉर्मर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. एल, एन एरिस्टोक्रेटिक सपोर्टर. नेक्स्ट वी हैव रोज, एन इंग्लिश गर्ल. एल्स 14-year-old मेड. सो गाइस, नेक्स्ट वी हैव द पावर एंड द ग्लोरी 1940. सो इट वॉज पब्लिश्ड, यहाँ पे इन आएगा, पब्लिश्ड इन US अंडर द टाइटल द लेब्रिथिन वेज. इसको US में इस नाम के अंडर जो है पब्लिश किया गया था. सो 1941 द नॉवल रिसीव्ड हार्थ रोडन प्राइज. तो ये नॉवल ये प्राइज जीता था. एंड थर्ड वी हैव द नॉवल टेल्स द स्टोरी अबाउट रोमन कैथलिक विस्की प्रीस्ट. तो विस्की प्रीस्ट एक सटायर लगाया गया है कि जो प्रीस्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, तो उसको विस्की प्रीस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया था. करेक्टर्स हैं द प्रीस्ट, अननेम्ड मेन करेक्टर, द लेफ्टिनेंट, चीफ एडवाइजरी ऑफ द प्रीस्ट, द मेस्टिजो, हाफ इंडियन पीजेंट, ब्रिजिटा, यंग डॉटर ऑफ मैरिया एंड द प्रीस्ट, मैरिया मदर ऑफ ब्रिजिटा. ओके, सो गाइस, नेक्स्ट वी हैव The Mystery of Fear 1943. This book tells about Nazi regime and main characters iske kya kya hain. Arthur Rowe convicted of murder of his wife mercilessly. Isko jo hai convict kiya gaya hai ki isne apni wife ka bahut hi behraimi se maar diya, usko qatl kar diya uska. Willie and Anna Helf, ye brother sister hain, ye Austrian refugees hain, ye Arthur Rowe ko milte hain. So guys, with this I am going to end up this video and we will discuss more about this work in next video. Till then, goodbye.